हिमाचल प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखते हुए 25 जून से गर्मियों की छुट्टियां घोषित करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन नालागढ़ में रोपड़ रोड पर परिवहन विभाग की वर्कशॉप के साथ पीएम जैन पब्लिक स्कूल प्रशासन के नाक के नीचे लगातार स्कूल खोले बैठा हुआ है। निजी विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित नहीं की गई हैं। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करते देखा जा सकता है। ऐसे विद्यालयों के संचालकों को कानून का ना तो कोई डर सता रहा है और ना ही जुर्माना भरने का कोई गम है। नालागढ़ का पारा 42 के पार हो गया है, लेकिन निजी स्कूलों के संचालक विभाग का आदेश नहीं मानते हुए अब तक स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में स्कूलों में पढ़ने आने और जाने के दौरान छोटे छोटे बच्चों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। इसी दौरान उमस भरी गर्मी से बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसकी फिक्र ना तो कुछ अभिभावकों को हो रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों को। जब शिक्षा विभाग में जिला सोलन के उपनिदेशक से बात की गई, तो उनका ध्यान भी इस ओर गया और उन्हें इस मामले से अवगत करवाया गया, तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग के आदेशों का अनुपालन करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है और विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बच्चे की मां ने मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग से गुहार लगाई है कि इन स्कूलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट शेड्यूल जो है, जो गवर्नमेंट ने बता रखा है, क्योंकि पीछे जैसे उन्होंने कुछ बदलाव भी किया था, पर फिर उन्होंने उस बदलाव को रद्द किया कि पिछली ही हिसाब से जो है 26 जून से लेकर 2 अगस्त तक छुट्टी रहेगी। तो अभी बीएम जैन स्कूल है, उन्होंने छोटे बच्चों से लेकर, अगर कोई बोर्ड क्लासेस की एक्स्ट्रा क्लासेस होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हमारी गली के 3-4 बच्चे डेढ़ डेढ़ हफ्ता बीमार रहे और पेरेंट्स उनके लिए दवाइयाँ करते रहे। मौसम ऐसा है, हमारे यहाँ का मौसम ऐसा रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, उमस रहती है, तो बच्चे इस मौसम को नहीं बर्दाश्त कर पाते। इसलिए गवर्नमेंट ने ये शेड्यूल बनाया भी है, एचपी बोर्ड का जो है शेड्यूल है ये, कि इस टाइम जो है छुट्टियाँ होनी चाहिए। तो ये स्कूल जो है ये मनमानी करते नहीं, अपनी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इनके लिए कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये स्कूल है उसमें कोई एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है कि सारा स्कूल ही लगा हुआ है? सारा स्कूल लगा हुआ है। और मेरे जो जानने में ये भी मुझे बात पता चली, बच्चों ने मुझे बताया कि उनकी अटेंडेंस नहीं ली जा रही है, बिकॉज छुट्टियों का शेड्यूल चल रहा है, तो उनकी अटेंडेंस भी वहाँ नहीं लग रही है। अच्छा, अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे हैं जी? तो किसी प्रिंसिपल से आपसे किसी बात हुई है? हाँ, मैंने मैनेजमेंट से बात करी, मैनेजमेंट में जो सेक्रेटरी हैं उनको मैंने 2-4 बार कहा, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो चलती नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो क्लास टीचर से भी बात करी, तो क्लास टीचर, टीचरों की तो वैसे नहीं वहाँ चलती है, क्योंकि प्रिंसिपल की चलती है, तो प्रिंसिपल जो ऑर्डर देगा टीचर्स को वो फॉलो करना पड़ेगा। सेक्रेटरी कौन कौन सेक्रेटरी है? दीपा नाम है उनका, कुलदीप जैन। तो उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने भी कोशिश की है, उन्होंने प्रिंसिपल से भी बात करी, पर शायद और लोगों की वजह से, मैनेजमेंट के जो और लोग हैं वो नहीं चाहते कि छुट्टियाँ हों, और पता नहीं ऐसा किस वजह से चाहते हैं कि छुट्टियां ना हो, पर हमें तो छुट्टियां चाहिए, हम पेरेंट्स हैं, बच्चे जो फ्री होंगे तो हम भी बच्चों की वजह से ही कहीं जा सकेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है ये स्कूल उसको फॉलो करे, गवर्नमेंट की जो भी छुट्टी होती है, गजटेड छुट्टी होती है, उसको उसी हिसाब से, जैसे सरकारी तर्ज पर और स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल चलते हैं, उसी तर्ज पर इनको भी छुट्टियां करनी चाहिए। अच्छा, बीच में एक ऐसा मौसम आया था कि गर्मियां काफी हो गई थी। हाँ, और गर्मियों की वजह से कुछ स्कूलों ने छुट्टी भी कर दी थी कुछ बच्चों को, तो क्या स्कूल ने उस गर्मियों के दौरान छुट्टी करी है? उस टाइम भी छुट्टी नहीं थी, इवन जो अभी पीछे 3 छुट्टियां एक साथ गई जिस टाइम ईद भी थी, तो इन्होंने उसमें से भी एक छुट्टी काट ली, महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी थी, तो उस टाइम इन्होंने सब बच्चों को बुला के स्कूल में रखा हुआ था। इवन स्कूल में कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था, या तो बच्चों से कोई कविता कंपटीशन या महाराणा प्रताप जी के ऊपर कोई याद करने को देते, उसी से रिलेटेड कुछ होता, ऐसा भी कुछ नहीं था, बस यूं ही ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल मनमानी कर रहा है मेरे हिसाब से। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।